हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे एक नया क्रिप्टो टेक वीडियो में। फ्रेंड्स, आज बात करने वाला हूं फ्री अर्निंग करने वाला क्रिप्टो करेंसी पीआई नेटवर्क के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप पीआई नेटवर्क माइन करते हैं, क्या आप जानते हैं वियतनाम में पीआई नेटवर्क के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? साथ ही साथ आप जानते हैं इंडिया में बहुत ही बड़ा फेमस कॉइन है पीआई नेटवर्क और बहुत ही फेमस है वियतनाम में भी। तो फ्रेंड्स, वो डिस्कस करेंगे पीआई नेटवर्क का इस लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अगर आप पीआई नेटवर्क माइन करते हैं, ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से पीआई नेटवर्क के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इंडिया में बहुत पॉपुलर बनते जा रहा है पीआई नेटवर्क। फ्रेंड्स, किसी भी तरह पीआई नेटवर्क हम लोगों का कोई नुकसान तो नहीं कर रहा है। जिस तरह से हम लोग फोन के अंदर दिन भर रात भर एक्टिव करके रखते हैं पीआई नेटवर्क मोबाइल के अंदर, तो इस समय में हो सकता है कि आपका घर के अंदर क्या बातचीत चल रहा है, साथ ही साथ आपका फोन के अंदर आपका फोन किसी भी एंगल में रहेगा मेरा एक्टिव करके, कि आपका कोई पर्सनल फोटो ले रहा है। तो फिर आज फुल डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ फुल रिसर्च करेंगे कि सच में पीआई नेटवर्क इस तरह का कोई चीज ले सकता है। अगर ले रहा है तो किस तरह से पता चलेगा। पीआई नेटवर्क का दो एप्लीकेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पीआई ब्राउजर, साथ ही साथ पीआई नेटवर्क का जो माइनिंग एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन। तो क्या वो सारा एप्लीकेशन इस तरह का काम कर रहा है और इन्वेस्टिगेशन का वजह क्या है? फुल जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल को। जिस तरह का क्रिप्टो वीडियो, टेक वीडियो, साथ ही साथ क्रिएटर बेस्ड वीडियो में डेली आप लोग लगातार लाते रहता हूं रात 9 बजे। 2022 का एंड में हम लोग देखे थे हुवाई ग्लोबल, जिसके अंदर पीआई नेटवर्क लिस्टिंग का बहुत ही बड़ा न्यूज आया था, साथ ही साथ बहुत ही बड़ा प्राइस भी वहां पे देखने को मिला था। ओवर वर्ल्ड का जितना यूजर था, सभी यूजर को आगाह किया कि पीआई नेटवर्क अभी भी कहीं पे किसी भी एक्सचेंज के अंदर लॉन्च नहीं हुआ है। 2019 में जो कॉइन लॉन्च हुआ था पीआई नेटवर्क, लॉकडाउन के टाइम में, कोविड के टाइम में, वो कॉइन कुछ ही साल के अंदर बहुत ही बड़ा नेटवर्क बेस बना लिया, साथ ही साथ बहुत ही बड़ा पॉपुलैरिटी मार्केट में कर लिया है फ्री क्रिप्टो अर्निंग एप्लीकेशन के अंदर। इस टाइम में चिंता होने का बात ये है कि इतना कम समय में इतना बड़ा जो यूजर बेस बना लिया है, शायद हो सकता है कि आपका पर्सनल डाटा चोरी कर रहा है, आप फोन कर रहे हैं या SMS आपके पास आ रहा है, या आप ऑनलाइन में क्या चीज देखते हैं या ऑनलाइन में आप क्या करते हैं, डाउट हो सकता है गवर्नमेंट का या साइबर रिसर्च टीम का। कुछ इसी के वजह से वियतनाम में पीआई नेटवर्क को ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ है। क्या सच में पीआई नेटवर्क किसी यूजर का पर्सनल डाटा लेता है? तो ये भी आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल आपका मोबाइल के अंदर। कुछ इसी तरह का हुआ था टिकटॉक एप्लीकेशन के साथ। आप लोग जानते हैं इंडिया में टिकटॉक बैन किया गया था, वजह यह था कि यूजर का डाटा चुरा रहा था। कुछ उसी के वजह से वियतनाम में भी पीआई नेटवर्क के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ है। क्या सच में पीआई नेटवर्क किसी यूजर का डाटा चोरी कर रहा है या नहीं, एग्जैक्ट कोई भी नुकसान हो सकता है किसी यूजर का, वो सारा रिसर्च के लिए ही पीआई नेटवर्क के ऊपर वियतनाम में इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम में काफी बड़ा पॉपुलैरिटी गेन कर लिया है पीआई नेटवर्क, फ्री अर्निंग करने वाला क्रिप्टो करेंसी। मतलब अभी के टाइम में अगर आप इंस्टॉल करते हैं आपका मोबाइल के अंदर, रजिस्टर करते हैं, KYC भी आपको मिलेगा, उसको कंप्लीट करते हैं, तो आप माइनिंग शुरू कर सकते हैं आपका नॉर्मल स्मार्टफोन के अंदर। और जिस तरह से डिजिटल करेंसी धीरे धीरे आगे जा रहा है, कुछ उसी के वजह से वियतनाम का ये बहुत ही बड़ा फैसला क्रिप्टो करेंसी को चेक कर रहा है, साथ ही साथ पीआई नेटवर्क का भी डिटेल्स चेक कर रहा है वियतनाम। ये मेरा मानना है, अगर सच में पीआई नेटवर्क कुछ फ्रॉड अगर करता, तो जिस टाइम में हुवाई ग्लोबल पर्सनली वहां पे जो लिस्टिंग कर दिया था, उसी में हाँ पे हाँ मिला सकता था पीआई नेटवर्क। बट उस टाइम में ऑफिशियली अनाउंसमेंट की कि सच में पीआई नेटवर्क किसी भी एक्सचेंज में लॉन्च नहीं हुआ है, उस टाइम में अगर मान जाता पीआई नेटवर्क लॉन्च हुआ है, काफी करोड़ों रुपए लेके भाग सकता था पीआई नेटवर्क यूजर का। तो फ्रेंड्स, इस टाइम में अगर आप पीआई नेटवर्क माइन कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स जब भी आप पीआई नेटवर्क एप्लीकेशन का परमिशन ऑप्शन में जाते हैं, तो वहां पे दिख जाता है कि एग्जैक्ट क्या चीज का परमिशन दिया हुआ है पीआई नेटवर्क को। आप पीआई नेटवर्क को भी चेक कर लीजिए, साथ ही साथ पीआई ब्राउजर जो है उसको भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा, एग्जैक्ट आपका फोन के अंदर किस किस चीज का परमिशन ले रखा है। अगर आपको लगे कुछ दूसरा चीज परमिशन लेके रखा है, जैसा SMS या गैलरी या कैमरा नेटवर्क, तो इस तरह का चीज आप बंद भी कर सकते हैं बहुत ही इजी।
अगर आपको कुछ पर्सनली कुछ जानना है पीआई नेटवर्क के ऊपर तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं स्पेशल वीडियो में आपके लिए बना दूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं किसी नया क्रिप्टो टेक वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आई एम अ ट्रेडिंग वीडियो।